हेडलैम्प्स में यूज़ करते हैं हम इसको ज़्यादातर, जैसे कि कंपनी के ओरिजिनल प्रोजेक्टर्स को स्वैप करने में चेंज करते हैं, पर ये हम किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि स्विफ्ट में या जिस भी गाड़ी में H4 का होल्डर लग के आता है हम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं इसको ईजी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में यार हम लोगों ने जो है अपने फॉर्च्यूनर के अंदर गाइस यहाँ पे ऑटो की का हमारा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इंस्टॉल करा है, जो कि गाइस हमारे फुली आफ्टर मार्केट होने वाले हैं। तो गाइस मैं हूँ प्रो कस्टम कार्स में, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हमारी फॉर्च्यूनर की गाइस यहाँ पे जो हेडलैम्प्स होती है उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो चाहे फॉर्च्यूनर हो चाहे कोई भी कार गाइस आपके पास हो, ये वाली जो हमारी मॉडिफिकेशन है ये यूनिवर्सल होने वाली है। तो किसी भी कार के अंदर गाइस हमारे जो प्रोजेक्टर है ये इंस्टॉल जो है हो सकता है। जो स्टॉक में गाइस हमारी हेडलैम्प्स आते थे इसके अंदर, उसके अंदर जो प्रोजेक्टर था उसका थ्रो इतना अच्छा नहीं था, एंड आज की इस वीडियो में हमने जो गाइस प्रोजेक्टर इसके अंदर इंस्टॉल करा है ये हमारा पूरी हमारा हनीकॉम पैटर्न के अंदर होने वाला है। सो गाइस अगर आपको मैं दिखाऊँ जो हमारा स्टॉक में प्रोजेक्टर आता था, तो गाइस वो आपके सामने देख सकते हो, ये हमारा स्टॉक प्रोजेक्टर आता था जो कि भाई हमारा इतना अच्छा नहीं होता था, इसलिए गाइस कस्टमर ने जो हमारा ऑटो की तरफ अपग्रेड करा। तो ये आप देख सकते हो स्टॉक प्रोजेक्टर, एंड इसके अंदर हमारा डिफरेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी जो है यहाँ पे गाइस इसके हेडलैम्प्स खुले हुए हैं, एंड इसके अंदर जो है अभी अपना प्रोजेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। बाकी अगर आप देखोगे जो गाइस सिलिकॉन की ऊपर जो इसके अंदर लेयर होती है वो भी इसके अंदर हम काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल करने वाले हैं। ये गाइस जो स्टॉक हमारे पास हेडलैम्प्स आते हैं जिनके अंदर भाई यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टर इंस्टॉल होता है, सो इसी गाइस जो है प्लेसमेंट के अंदर हमारा ऑटो की का गाइस हमारा जो प्रोजेक्टर है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी अभी आप देख सकते हो भाई अपना पूरा ओपन हो चुका है, एंड इस साइड जो है भैया अभी इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो आप एक बार चेकआउट जो है कर सकते हो, एकदम भैया अपना प्रॉपर होने वाला है। एंड भाई कोई भी ऐसा मतलब आपको नहीं लगेगा कि कोई भी वायरिंग कट या ऐसा कुछ भी इशू नहीं आने वाला, सारा काम गाइस जो है प्लग एंड प्ले वाला होने वाला है, तो वो आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो भाई ये आप देख सकते हो जो गाइस हमारी लेफ्ट साइड का भी हेडलाइट है वो भी इंस्टॉल हो रही है, एंड आप देखोगे भाई वायरिंग का काम एकदम भाई नीट एंड क्लीन हो रहा है, कोई भी वायरिंग इसके अंदर कट नहीं होने वाली। ये भाई कंपनी का कपलर है जो कि भाई हमारा इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, आप चेकआउट जो है कर सकते हैं एक बार इसको भी। जैसे भाई अभी अपना इंस्टॉल हो जाता है आपको मैं इसके पूरे भाई एकदम फिटिंग के साथ चेक कराता हूँ। तो गाइस अभी जो यहाँ पे लाइट्स आप चेकआउट कर सकते हो भाई अभी ऑन कर दिए है, बाकी एक बार जो गाइस इसकी बीम यहाँ पे सेट होते हैं वो हमेशा नाइट में ही होगी, तो बाकी नाइट में गाइस इसका पूरा काम कंप्लीट होगा। अभी आप भाई थोड़ा बहुत इसकी बीम भी चेकआउट कर सकते हो, आपको मैं गाइस चेक कराता हूँ। तो भाई देखोगे जो हनीकॉम पैटर्न वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी जो यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स भाई हमने ऑन कर दिए, बाकी का जो फुल काम होता है भाई वो हमारा नाइट में ही कम्प्लीट होगा, जिससे भाई हमारी जो बीम भी वगैरह है वो चेक होगी। आप देखोगे भाई हनीकॉम पैटर्न जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड ये पैटर्न है ये हमारा रोड पे नहीं आता, ये सिर्फ भाई इसके अंदर का डिज़ाइन है, रोड पे जो विजिबिलिटी होगी गाइस वो हमारी बिल्कुल बीम के अंदर ही होगी। तो अभी आप जो है इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं गाइस। अभी जो यहाँ पे हमारे जो है हेडलैम्प्स इंस्टॉल हो चुके हैं, बाकी फाइनल लुक एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ। अभी आप देख सकते हो भाई इनका जो थ्रो है, बाकी अगर मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ तो भाई सामने आप इसका जो हेडलाइट का लेवल है वो भी चेकआउट कर सकते हो। अभी डे का टाइम है भाई, आप इसका जो लेवलिंग है वो देख सकते हो भाई की जो सीध है हमारी हेडलैम्प्स की वो आप चेकआउट कर सकते हो। लो करना भी है लो मैम, तो भाई देखोगे एकदम अपना ये इक्वल होने वाला है, तो कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली। बाकी जो गाइस लाइट्स के थ्रो वो भी काफ़ी अच्छा आने वाला है, जैसी नाइट होती है एक बार मैं आपको वो भी चेक करा दूंगा। अगर आप देखो भाई थोड़ा सा मैं कर दूँ तो भाई आप देखोगे बिल्कुल एकदम लेवल जो गाइस हमारे सीट में हमको देखने को उसके अंदर मिल जाने वाला है। तो गाइस अभी आप जैसे कि चेकआउट कर सकते हो, फाइनली जो प्रोजेक्टर्स की इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, एंड गाइस देख सकते हो भाई यहाँ पे जो प्रोजेक्टर्स की लुक जो काफ़ी बढ़िया आने वाली है। एंड एक बार भाई आपको मैं जो इसका रिस्पांस भी चेकआउट कराता हूँ, बाकी एकदम अंधेरा है अभी आप देखोगे काफ़ी अच्छे से मैं आपको इसका रिस्पॉन्स भी चेकआउट करवा पाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो भाई अपने प्रोजेक्टर यहाँ पे जो है ऑटो की फाइनली इंस्टॉल हो चुके हैं, आप देख सकते हो भाई जो लुक है कार की वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे इंक्रीज हो गई है, एंड जो नाइट का लाइट का रिस्पॉन्स है वो भी इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाता है। अगर आप एक फ्रंट में इसका थ्रू चेकआउट करोगे तो भाई देख सकते हो अभी भाई सिर्फ अपनी लो बीम है, हाई बीम अपनी इस साइड है, तो सिर्फ लो बीम को गाइस यहाँ पे चालू करने के बाद आप जो इसका रिस्पॉन्स है वो भी चेकआउट करोगे। एक बार भैया जरा आप हाई बीम को भी चालू कर दे, आप देख सकते हो भाई जो रिस्पॉन्स आ रहा है कार का वो काफ़ी बढ़िया है। चाहे आपके पास फॉर्चूनर हो चाहे स्विफ्ट हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, ये लाइट्स आपको अपनी कार में इंस्टॉल करवा लेनी चाहिए, जिससे आपकी जो कार का ओनरशिप रिव्यू है एंड जो लाइट्स का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा ही गाइस इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप देखते हो लाइट्स का रिस्पॉन्स भाई काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर इसके अंदर हमको देखने को भी मिल जाता है। तो लाइटिंग का सेटअप भी इस कार के अंदर काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो कस्टमर है वो भी शौकीन आदमी है, उन्होंने भाई तभी जो है अपने ओल्ड वाले प्रोजेक्टर को रिमूव करवा के ये वाला इंस्टॉल करवाया है, क्योंकि भाई जो उनका एक प्रोजेक्टर था वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, तो इसीलिए भाई उन्होंने जो ये करवाया। सारे जो भी गाइस काम हुआ है प्रोजेक्टर का वो सब हुआ है प्रो कस्टम्स कार पे, आपको शॉप की डिटेल स्क्रीन पर आ रही होंगी, वहाँ से भी आप चेकआउट जो है कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलता है सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टुडेज वीडियो। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही भाई प्रो कस्टम्स को भी अपना प्यार जरूर से दिखा देना।